गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास इलेवेंथ की फिफ्थ पोएम है बेटा हमारे घर की याद, जिनके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिसर। इसके हम 12 पैराग्राफ की व्याख्या कर चुके हैं, 13वें पैराग्राफ की हैं, लास्ट पैराग्राफ है हमारा। हाय रे ऐसा ने कहना है कि जो वैसा ने कहना, करने देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। सबसे पहले इसका प्रसंग लिखना हमने। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोभाग वन में संकलित घर की याद नामक कविता से ली गई हैं। इनमें इनके लेखक भवानी प्रसाद मिसर हैं। इन्होंने भी इन पंक्तियों के अंदर, इसमें कवि कहता है कि सावन को अपना संदेश लेकर वह क्या करता, अपने घर भेजता है। और घर भेजने के बाद वह कहता है कि मेरे माता पिता को आप मेरी वास्तविकता के बारे में कभी भी मत बताना। उसके बाद में आपने इसका कि मैं उन अपनी वास्तविकता कि जो वह अपना जीवन व्यतीत कठिनाई से कर रहा वो कभी भी मत बताना। ये बात वह किससे कह रहा है, सावन से कहता है। आगे जैसे कवि हाय रे ऐसा न कहना कि वैसा न कहना, इसमें इसके कवि सावन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे सावन, तुम मेरे माता पिता को जाकर के मेरी कुशलता का खुशी का समाचार देना। हे सावन, तुम मेरे माता पिता को जाकर के मेरी खुशी के बारे में बताना। लेकिन भाई रे ऐसा नहीं कहना, लेकिन मेरे माता पिता को आप मेरी इन परिस्थितियों को कि जो मैं वास्तविक रूप से जेल में बंद रह कर के जो परिस्थितियां मैं भोग रहा हूँ, व्यतीत कर रहा हूँ, सहन कर रहा, इनको आप कभी भी मत कहना। है जो कि वैसा ने कहना कि ये उन्हें जाकर के ये मत कहना कि आपका बेटा भवानी प्रसाद वहाँ जेल में रात भर जागता रहता है। दुखों के कारण मेरी नींद उड़ गई है, समाप्त हो चुकी, हर प्रकार की पीड़ाएं यातनाएं मैं झेल रहा हूँ। मेरे माता पिता को अब ये बातें कभी भी मत कहना, ऐसी वैसी जो बातें होते हैं वे कभी भी मत कहना। करने देना कि जागता हूँ, आप अपने मुख से एक बार भी मेरे माता पिता को ये मत कहना कि वो रातों रातों भर जागता रहता है, काम करता रहता है, ये मत कहना। सिर्फ नहीं कहना कि वो खुश रहता है वहाँ पर, सभी लोग उसे बहुत उसका आदर व सम्मान करते हैं। आदमी से भागता हूँ और मैं आदमी का सामना ही नहीं करना चाहता, उन्हें ये भी मत कहना। कहने देना मौन हूँ मैं, और मारे माता पिता को ये भी मत कहना कि मैं वहाँ यानी किसी भी आदमी का सामना करने से डरने लगा हूँ, ये भी मत उन्हें बताना, क्योंकि यहाँ मुझे डर लगता है। लेकिन मेरे माता पिता से ये मत कहना। ये कभी नहीं कहना कि मैं जेल में बंद रहकर मैं चुपचाप रहता हूँ, मौन होता है चुप रहना। उन्हें ये भी मत कहना कि मैं हमेशा चुपचाप रहता हूँ, किसी से बोलने का मन भी नहीं करता है, मानसिक यातनाओं को पीड़ाओं को मैं झेल रहा हूँ अकेला ही, और मैं अपने दुख दर्दों को किसी के बारे में भी नहीं बताता। हे सावन, मेरे माता पिता को ऐसे भी मत कहना। खुद ना समझू कौन हूँ मैं, देखना कुछ बकने देना। तुम हे सावन कहते कि तुम मेरे माता पिता के सामने जाकर मेरी असलियत के बारे में मत बताना। मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ अपने अस्तित्व को, मैं क्या करना भूलने लगा हूँ, मैं तो अपने अस्तित्व को ही भूल रहा हूँ। मैं खुद ही नहीं समझ रहा कि मैं कौन था, कौन मैं कहते, लेकिन ये बात मेरे पिता को कुछ मत कहना। देखना कुछ बकने देना, कहीं ऐसा न हो कि तुम, सावन दृढ़ता समझाते हुए से कहता है कि तुम मेरे माता पिता के सामने जा कर के मेरी असलियत के बारे में भी मत बताना। ही सावन, इस बात का आप क्या करना, विशेष ध्यान रखना, जब कोई भी बात आप कहते हो तो उस बात को मेरे माता पिता के सामने क्या करना, सोच समझ कर बोलना, उन्हें कोई शक नहीं देना। तुम कभी ऐसा नहीं करना कि बातों को घुमा फिरा कर इस तरह से को मेरे माता पिता को आप पर शक होने लगे कि ये झूठ बोल रहा है। बातों को इस तरह से उनके सामने स्पष्ट करना कि उनको कभी एहसास ही न हो पाए कि झूठ बोल रहा है। हे सजीले हरे सावन, हे हरे भरे सावन, कि मेरे पुण्य पावन,
कि हे हरे भरे सजे सावन पवित्र पावन तुम मेरे घर जाकर के खूब बरसना। हे पुण्य व पवित्र पावन तुम क्या करना खूब बरस तुम बरस लो वे न बरसें के सावन मेरे घर जाकर के तुम खूब बरसो और तुम्हें बरसता हुआ दे करके मेरे माता पिता जी स्वयं न बरसें वे मेरे लिए न रोई पांचवें को वे न तरसें। पांचवें पुत्र है भवानी प्रसाद मुझ पांचवें पुत्र है भाग्य के लिए वे कभी भी न तरसे न रोई न दुख व्यतीत करें। तो मेरे माता पिता को ऐसी बातें करें कि चारों पुत्रों को देख करके मेरे माता पिता जी खुश रहें उसको पांचवें पुत्र की कभी भी यादें न आए। इसके बाद में यदि आता है इन पंक्तियों का काव्य सुंदर स्पष्ट कीजिए तो सबसे लिखना है इसमें कवि ने सावन को अपनी वास्तविकता न बताने के बारे में बताया गया है। कालिदास ने में एक दूत बनाया था इसमें कवि ने संदिग्धवान खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। संवादात्मक शैली है करुणा रस है इसमें करुणा क्यों इसमें अपने दुख दर्द के बारे में बता रहा है वो जगह प्रसाद गुण है अनुप्रास मानवीकरण आदि अलंकारों का प्रयोग भी किया गया है। अब इसके कुछ नाम सुनें इसमें कवि कौन है इनकी भवानी प्रसाद मिसर कविता कौन है इनकी घर की याद कवि सावन से क्या ने बताने का आग्रह करता है कवि सावन से अपनी वास्तविकता ने बताने का आग्रह करता है। सावन से वे कहता है कि आप मेरे माता पिता को जा कर के मेरी इस असलियत के बारे में मत बताना कि वो किस प्रकार से कष्टों से अपना जीवन व्यतीत कर रही है। कवि सावन से क्या बताने का आग्रह करता है कवि सावन से अपनी कुशलता को बताने का आग्रह करता है कि वहाँ उन्हें बताना कि आपका बेटा फानी जेल में रह कर के बड़ी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। कवि को अक्सर किसकी याद आती रहती कवि को अक्सर अपने परिवार वाले अपनी माई बहन माता पिता सभी की याद आती रहती है। आदमी से भागता हूँ मैं कहने देना मौन हूँ मैं पंक्ति का स्पष्ट कीजिए इसमें कभी भी ये मत कहना मेरे माता पिता को जा कर के मैं यहाँ जेल में बंद रह कर के सभी आदमियों से डरता हूँ घबराता हूँ मानसिक पीड़ाओं को सहन कर रहा हूँ और कहने देना मौन हूँ और ये भी मत कहना सभी लोगों की से डर करके वो हमेशा चुप रहता है उन्हें मेरे माता पिता से यह भी आजकल चुपचाप रहता है ये भी मत कहना। अब इसके ये जो थर्ड क्वेश्चन आंसर थे ये हम पहले कर चुके हैं कि पानी के रात भर गिरने जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ बना था उसमें से था सेकंड में से ठीक है ये भी कर चुके हैं। अब इसमें कवि ने सावन को अपने बारे में क्या क्या बताने का अनुरोध किया था वास्तविकता छिपाने को गोपनीय वास्तविकता को छिपाने का अनुरोध किया था कि उन्हें मेरे पिता माता पिता को मेरे घर जाकर अपने शांत बना देना कहना कि आपका पुत्र तो जेल में बंद रहकर भी मजे से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है वो वहाँ इतना भोजन खाता है कि उसका जो वजन भी है 70 हो चुका है पढ़ता है लिखता है हर प्रकार के ज्ञानार्जन कार्य भी करता है और वह जेल में बंद रहकर अपने माता पिता का नाम भी रोशन करेगा और वो खूब मस्त रहता दुखों को अपने पास तो आने तक भी नहीं देता और वहाँ पर सभी लोग उसे बहुत अधिक प्यार पर प्रेम करते हैं मेरे माता पिता को आप हमेशा सांत्वना देते रहना उन्हें कहना कि आपका जो पुत्र है हमेशा स्वस्थ रहता है उसे किसी के प्रकार का वांछल में रहकर के दुख भी नहीं है। देखना कुछ बकने देना के स्थान पर देखना कुछ कहने देना कहा जाता है तो कविता के सौंदर्य में क्या अंतर आता है किसमें कवि भवानी प्रसाद कहता है कि देखना कुछ बक नहीं देना कि आप जब मेरे माता पिता मेरे बारे में पूछे आप ऐसा नहीं करना कि आप मेरी वास्तविकता के बारे में उन्हें बता सके कि वो तो वहाँ रह करके कष्टों से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है जिसे आपकी बातों को सुनकर मेरे माता पिता को अधिक दुख हो आप ऐसा कभी भी मत करना कुछ कहने देना सोच समझ कर मेरे माता पिता के सपने की बातों को स्पष्ट करना। कवि का कथन प्रभावशाली नहीं लगता है मानो सावन से सामान्य भाव का आग्रह करता है कुछ यहाँ कभी प्रभावशाली बनता है सामान्य आग्रह भी नहीं करता है आदेश तो आता हुआ प्रतीत हो रहा है उसके पिता के समक्ष जाकर अपनी करुणी दशा को देख करके डगमगा नहीं जाए कि आप मेरे प्यारे पिता के ऐसे करुणा भरी दशा को देख करके कहीं आप डगमगाने न लगूँ और आप सारी बातें उल्टी से ही कहूँ कभी कुछ बातें जिससे मेरे माता पिता को आपकी बातों पर शक हो जाए कि ये तो झूठ बोल रहे हैं अपनी बातों को सोच समझ कर दृढ़ निश्चय से उनके सामने कहना। हे सजीले हरे सावन
हे की पुण्य पावन तुम बरसो वे न बरसें। इनका भाव सुन रहे कि इसमें कहते कि हे भरे हरे भरे सजीले सावन, हे पवित्र पावन तुम मेरे घर जा कर के खूब वर्षा करो, और तुम्हें बरसता भा देख करके मेरे माता पिता जी स्वयं न बरसें, मेरे माता पिता की आँखों से आंसू न आए, अपने दुख दर्दों को वो भूल जाएं, और वे चारों पुत्रों में ही मगन रहें, और मुझ पांचवें अभाग्य पुत्र को वह याद करके कभी भी न रोए। आता है शिलभ सौंदर्य, स्पष्ट कीजिए। शिलभ सौंदर्य में क्या करें, इसमें इसके कवि ने मेघदूत की परंपरानुसार कवि के हृदय के मनोभाव का वर्णन करते हुए कहा है, संवादात्मक भाषा शैली है, चित्रात्मकता है, प्रसाद गुण है, अनुप्रास मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग किया गया है और खड़ी बोली है। कहने देना मौन हूँ मैं, खुद मैं समझू कौन हूँ मैं, मेरे माता पिता को आप जा कर के ये भी मत कहना कि मैं चुपचाप रहता हूँ, वहाँ जेल में मैं सभी आदमियों से डरता हूँ और अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, मैं खुद ही अपने अस्तित्व के बारे में नहीं समझ रहा कि मैं कौन हूँ, देखना कुछ बकने देना, सोच समझ करके सभी बातों को स्पष्ट करना, कहीं मेरे माता पिता को आप पर किसी प्रकार का कोई शक न हो कि झूठ बोल रहा है। वही शिलभ सौंदर्य इसमें कवि सावन को संबोधित करते हुए कह रहा है, वही भाषा सहज सरल, चित्रात्मकता गुण, प्रसाद अनुप्रास मानवीकरण अलंकार खड़ी बोली तत्सम तद्भव शब्द है। जेल में कवि क्या करने में व्यस्त रहता था, महात्मा गांधी की तरह क्या करता था, सूत काटने में व्यस्त रहता था। कवि का वजन बताया था कितना हो चुका था, 70 किलो हो चुका था। जेल में कवि किस से भागता हुआ दिखाई दे रहा है, आदमियों से डर रहा है, वह जेल में बंद रह करके। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब हुआ था, 1913 ईस्वी में, मृत्यु कब हुई, 1985 में, और कौन से पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया था, बताया था पद्मश्री से। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना कौन सी नहीं है, इनमें से गीत परोश, उर्वशी, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा सभी रचनाएं, लेकिन उर्वशी नहीं है। कवि ने भाई को क्या कहा था कि मेरे भाई मेरे भुजाओं के समान है और मेरी बहनें मेरे प्यार भरा है। तो ये 5th पोएम हमारी आज जिसका जीवन परिचय, 13 इसके गद्यांश हैं, सभी गद्यांशों के क्वेश्चन आंसर, अभ्यास परीक्षा भी और ऑप्शन टाइप सभी राइट प्लस रैन। आज की ये पोएम कम्प्लीट हो चुकी है।